Good morning, student. Welcome to our KAIT channel. Today I will discuss. आज हम ये discuss करेंगे. What is oxidation reaction and reduction reactions? ठीक है. और ये काफ़ी helpful topic है. ठीक है. ये आपको खासकर ये 10th class से शुरू हो जाता है. ठीक है. और इसकी ज़रूरत आपको 10th में भी पड़ेगी. 11th में 12th में जब खासकर आप inorganic chemistry का study करोगे तो खासकर ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का ज़रूरत पड़ने वाला है. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ध्यान से आप सुनिएगा. ठीक है. चाहे आप कभी कभी फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप 12th का स्टडी करोगे तो वहाँ भी ये देखने को मिलेगा. क्या है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में आपका साथ साथ जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता है और साथ साथ रिडक्शन प्रोसेस भी चलता है तो वहाँ पे कनेक्टिविटी हम लोग कहते हैं उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन. तो आज हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन पे नहीं आने वाले हैं. अभी हम पार्ट बाय पार्ट करके यह डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. ठीक है. तो आप हमारे साथ बने रहिएगा. ठीक है. तो सबसे पहला हम बताना चाहेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है. ठीक है. कि सबसे पहला आपका बनता है इसका डिफिनेशन कि आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपने सुना होगा. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. या फिर आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. थर्ड में बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. और फोर्थ में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही टर्म में ये बोल सकते हैं कि आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इंक्रीज इन चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज स्पीसीज पे बढ़ जाएगा. ठीक है. तो कह सकते हैं कि अगर चार्ज बढ़ने की प्रोसेस को बोलते हैं कि कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है. चार्ज घटने की प्रोसेस को बोलते हैं कोई सब्सटेंस क्या हो रहा है रिड्यूज हो रहा है. तो अब हम बात करेंगे स्टार्ट करते हैं. देखिए ऑक्सीडेशन से लिखना थोड़ा शुरू करते हैं. ऑक्सीडेशन विथ एग्जाम्पल हम लोग चलते जाएंगे देते जाएंगे आपको. आप ध्यान दीजिएगा. आप हमारे साथ बने रहिएगा. सबसे पहला क्या है ऑक्सीडेशन में आपको बताए थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. किसी चीज में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो वो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है. ठीक है. किसी सब्सटेंस में केमिकल जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं इसे C+O2 आपका क्या बनाएगा CO2. तो इट मीन्स क्या हुआ कि हमने कार्बन को ऑक्सीजन दिया मीन्स कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और इसके साथ रिएक्शन में कार्बन क्या हुआ ऑक्सीडाइज हो गया. ठीक है. तो आप इस रिएक्शन को अभी मान लो कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है. बाद में आपको ये भी बताएंगे कि शायद ये दोनों भी हो रहा हो इसमें लेकिन अभी आप इसको मानो कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन डेट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन. आप कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जैसे कि मान लें कि H2S और वाटर. ठीक है. तो S+वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्या हुआ रिमूव हो चुका. पहला इन टर्म ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन सेकेंड इन टर्म ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. थर्ड आपको हम जो दिखाने जा रहे हैं ये मेन कंसेप्ट. कभी कभी क्या है ये दोनों चीज पूरी चीज़ को खुलासा नहीं कर पाता है तो ये थर्ड वाला टर्म और लास्ट वाला खास टर्म जैसे कि ये हम लिखने जा रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे कि जिंक है जिंक से दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या हो गया Zn2+. एल्यूमिनियम से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3+. सोडियम से आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो Na+. लॉस ऑफ जब भी इलेक्ट्रॉन होगा आप इस बात को याद रखिएगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ आपका कैटायन होता है मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होता है जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. और आप गौर करने वाली बात देखिए जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज तो बढ़ ही जाएगा स्पीसीज पे जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा
इसका भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अभी जिंक पे चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज आप ध्यान दीजिएगा जिंक पे क्या चार्ज है कि जीरो है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे, जीरो है। तब ये जैसे दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो जीरो से टू प्लस में चला गया। जीरो से टू प्लस में जाने का मतलब क्या हुआ, इसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गए हैं, इसके चार्ज बढ़ चुका है। तो अगर चार्ज बढ़ने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब कि चार्ज बढ़ने का मतलब ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी देखिए जीरो से थ्री की ओर मूव कर रहा है, ये भी ऑक्सीडाइज हुआ, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ, किसका, एल्युमिनियम का, जिंक का। यहाँ पे देखिए जीरो से प्लस वन में मूव किया, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब फाइनली हम आपको एक सीमित लैंग्वेज में क्या समझा सकते हैं ऑक्सीडेशन के बारे में, कि किस तरह से कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, कितना आपका तरीका बताया, चार तरह से वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। किस तरह से, या तो अपने आप में ऑक्सीजन को जोड़ ले, ऑक्सीडाइज हो गया, या फिर वो सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल जाए वो अपने आप को ऑक्सीडाइज किया, या फिर उस सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया ऑक्सीडाइज हुआ। मतलब लूज करके ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीजन को ऐड अप करके ऑक्सीडाइज कर सकता है, हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीडाइज कर सकता है, और अपने ऑक्सीडेशन नंबर को, चार्ज को बढ़ा के ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब कब बढ़ेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑब्वियसली चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये चार बातें आपको एकदम याद होनी चाहिए। अगर आप ये भूल भी जाते हैं तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, ये आपको सारी बात याद रखना है। ये दोनों खासकर ये वाला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम लोग लिखेंगे, जैसे ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बगल में फिलहाल हम क्या करते हैं, आपको चार्ज लिख देते हैं। मतलब कि चार्ज बढ़ जाना का मतलब हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इस पॉइंट और इस पॉइंट पर खासा आपको स्ट्रेस रखना है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये जो पॉइंट हम लिखाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का मतलब है इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। और यही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो आपका वही इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन कहलाएगा। हाँ, तो आपको शायद ऑक्सीडेशन की कहानी समझ में आ चुकी। अब हम बताएंगे आपको रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, जस्ट इसका उलट देंगे रिडक्शन हो जाएगा। और जिस रिएक्शन में ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ हो जाए, हम लोग बहुत उसको आसानी से बोल सकते हैं, दैट रिएक्शन इज सेट टू बी रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम दिखाते हैं आपको इन टर्म ऑफ रिडक्शन क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि रिडक्शंस क्या होते हैं। देखिए रिडक्शन का मतलब होता है कि पहला आपका हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा है आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड आपका पॉइंट्स बनता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट्स, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। एंड लास्ट में है आपका, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कि चार्ज में आपका गिरावट होगा, चार्ज का जो होगा वैल्यू वो गिर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन जोड़ने का मतलब है, जैसे मान लें कि यहाँ पे हम लिख दिए आपका, देखिए CH2 और ये H2 है। ठीक है, ये एक कंपाउंड है जिसमें कि इथीन है, इथिन को हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाता है, CH3 इथेन बन गया। तो देखिए कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन था, यहाँ भी दो हाइड्रोजन, अभी क्या हो गया, यहाँ पे चार था, यहाँ पे जाके जुटने के बाद क्या हो, एक हाइड्रोजन यहाँ जुटा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुट गया, और डबल बॉन्ड किस पे कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है,
तो ये एग्जांपल एक्चुअली क्या है, एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। हम लोग आगे इसको सीख सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, अगर एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन जैसे ही हुआ, आपका डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड कह सकते हैं आपका ये रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इन द टर्म ऑफ रिडक्शन मीटर में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। और भी सब बात है कि यहाँ पे मान ले कि क्या हो गया आपका N2 है और H2 है, तो बना दिया NH3, तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ये सब सारे प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। ये सारे प्रोसेस आप देख रहे हैं सारे क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीडेशन, जो आपको पहले पढ़ा के हम रखे हैं। अब बात आती है क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में देखिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं सी एल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो क्या बनाएगा, सी एल माइनस। जब आप इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हो तो चार्ज क्या डेवलप करता है, उसको माइनस डेवलप करता है। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हो, ठीक है, मतलब कि एटम में, न्यूट्रल एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन का एडिशन करते हो तो चार्ज क्या होता है, माइनस डेवलप करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जैसे ही माइनस डेवलप करेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से कि यहाँ पे जीरो था, जीरो से कहाँ की ओर मूव कर रहा है, माइनस वन की ओर मूव कर रहा है, मतलब जीरो से माइनस में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, चार्ज घट रहा है, क्या है, जीरो तो माइनस से बड़ा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल कि यहाँ पे देखिए हम Cu2+ से बन रहा है Cu। ठीक है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन ये लेके Cu2+ में दो इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे, मतलब कि 2+ में दो इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो प्लस को न्यूट्रल करने वाला कौन होगा, माइनस होगा। इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या होता है, माइनस नेचर का होता है, तो 2+ और दो इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रल हो गया, अब बन गया क्या, Cu2+ से कॉपर हो गया। इसके मतलब शुरू में चार्ज क्या था, 2+, और यहाँ पे चार्ज क्या है, जीरो, मतलब +2 से जीरो की ओर मूव कर रहा है। इसके मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन चार्ज, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है। तो ये तो कहानी थी क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कहानी है। अब हम लोग बात करेंगे जिस रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस साथ साथ हो जाए उस रिएक्शन कहलाएगा, वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, रेड ऑक्स रिएक्शन। रेड ऑक्स रिएक्शन मतलब, रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, तो साइमल्टेनियसली होगा एक साथ, एक अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ता हो तो दूसरे स्पीसीज क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा तो उसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स प्रोसेस। ये अब देखेंगे हम लोग एक साथ होगा जो रिएक्शंस। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन से थोड़ा सा मिलते हैं। ये क्या कहता है, कहता है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो जाए दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम लोग कहते हैं द रिएक्शन, अब लिखना है तो आप लिख सकते हो द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एक साथ, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स का मतलब हुआ रिडक्शन और यहाँ पे ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा किसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड बन रही है डाईहाइड्रोजन। ठीक है, इसके मतलब कॉपर ऑक्साइड डाईहाइड्रोजन होगा तो क्या बनाया जाएगा, ये कॉपर प्लस H2O। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो सिर्फ इन टर्म ऑफ हम क्या दिखाने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस केमिकल रिएक्शन में इन टर्म ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर बना, तो इससे इससे ये पता चल रहा कि आपका कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल चुका है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप बोलो कि अगर ऑक्सीजन रिमूव करता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। मतलब कि यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन और यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, मतलब कह सकते हो कि कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिडक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है, किससे, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है।
आप पूछोगे डाइहाइड्रोजन मीन्स H2 के साथ क्या हो रहा है, तो आप कहोगे कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए वहाँ पे कि ऑक्सीजन एडअप हो रहा है। ठीक है, इसके मतलब है कि कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, कॉपर मेटल में जाके रिड्यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, H2 किसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जो जुटा किसकी वजह से, क्या कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन नहीं होता तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हाइड्रोजन को, इसके मतलब कि ऑक्सीजन देने वाला कौन था, कॉपर ऑक्साइड, तभी तो जाके हाइड्रोजन H2O में ऑक्सीडाइज हुआ। और जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है दूसरे को, ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूज होता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे भी व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूजिंग एजेंट, इट इज़ द फर्स्ट एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल हो गया जिसमें कि दोनों चीज़ साथ साथ हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है इन टर्म ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे। हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शन क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका। दूसरा एग्जांपल हम देखे हैं इन टर्म ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन टर्म ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा ये Zn2+ लिखे हैं हम, Zn2+। अब देखिएगा कि Zn2+ मतलब Zn से Zn2+ बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, आपको पहले बता दिए थे कि अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा होगा किसी भी स्पीसीज पे, मतलब कि एटम पे, तो समझ जाइएगा कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग ब्रेक करके देखते हैं तो ध्यान दीजिए, Zn में से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो बनेगा ये Zn2+। इसके मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा Cu2+ से, जैसे ही देखिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो चार्ज क्या हुआ, जीरो से लेके +2 की ओर मूव किया, मतलब इंक्रीज इन चार्जेस, इंक्रीज इन चार्ज का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। इज इट क्लियर। अब देखिएगा Cu2+ से Cu, मतलब क्या हो रहा है कि पॉजिटिव 2+ से 0 की ओर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का मत बोलिएगा, Cu2+ आयन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोलेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए कि इसका इक्वेशन देखिए, Cu2+ से Cu कब बनेगा, जब हम इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दें। ठीक है, अब देखिए कि टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिएक्शन क्या बनेगा, Zn2+ दोनों को जोड़ देते हैं, ये बराबर Zn2+ और ये Cu। तो इट इज़ द ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्या है, दोनों चीज़ साथ साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये हो रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, किस टर्म में, इन द टर्म ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में, ये रिएक्शन क्या है, एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली ऐसा और एग्जांपल है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, एजेंट का मतलब क्या है, कोई चीज़ कोई काम करवाता हो उसी को बोलते हैं एजेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करवाना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि क्या है, या तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन प्रदान करे किसी को, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, तभी तो जाके दूसरे सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। मतलब कहने का मतलब जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे, जो दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा के रख दे, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे सब्सटेंस का मतलब हो गया ये कि दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर किसी सब्सटेंस की वजह से, जिस सब्सटेंस की वजह से बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी की वजह से घट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो कोई ना कोई तो बढ़ा रहा होगा केमिकल रिएक्शन में, और जो बढ़ा रहा होगा ये ऑक्सीडेशन नंबर को, मतलब चार्ज को जो बढ़ा रहा होगा, ठीक है, जो जिसके जरिए किसी में ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, कि जिसकी वजह से किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए, उसको बोलेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे, हाँ। तो देखिए तीनों एग्जांपल हमने रिडॉक्स रिएक्शन का लिखा है, और इसके जरिए हम आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान रखिएगा, आप बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट को हम लोग कहते हैं रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम हम प्यार से बुलाते हैं इसको, रिडक्टेंट। ठीक है, ये होगी ऑक्सीडाइज। आप देखिए, सबसे पहले एक चीज़ कंसिडर करते हैं, ये कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, कभी गलती नहीं हो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में। जिस सब्सटांस का रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जिस सब्सटांस का ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। फिर से बोल रहे हैं, जिस सब्सटांस का रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस सब्सटांस का ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जिस सब्सटांस का रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए, हम लोग चुनते हैं, अगर बोल दिया जाए ये दोनों में कौन ऑक्सीडाइजिंग है कौन रिड्यूसिंग है, सबसे पहले हमको इसके लिए कहाँ पे जाना होगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए, अभी हम लोग क्लियर किए थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि ये दोनों में किसका ऑक्सीडेशन या किसका रिडक्शन हो रहा है। तो आप बोलिएगा क्या, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा था, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था और हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। पहले ये बात पहले लिख ले लाए कहीं पे कॉपी में, किसका हो रहा है उसको निकाल के रख लिए। अब हम बोले थे जिसका रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलिए कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब कहता है H2 का ऑक्सीडेशन, तो H2 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इज इट क्लियर? अब सिमिलरली आप बना सकते हो जिंक का क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे पता कीजिएगा, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जीरो है, जीरो से 2+ हो रहा है, बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cu2+ से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक क्या कहलाएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे भी आप जानते हो कि मेटल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जिंक भी क्या है, मेटल है, मेटल इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब कहेगा कौन है, Cu2+ का क्या हो रहा है, Cu2+ से जीरो हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसके मतलब है कि Cu2+ का रिडक्शन, इसके मतलब Cu2+ क्या हो गया, Cu2+ क्या हो गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? आज हम अपना वीडियो यहीं तक रह रहे हैं, हालांकि यहाँ क्लियर नहीं सब कुछ, अभी आगे और पढ़ाना है हमको इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ठीक है, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार कीजिए, उसमें कुछ और कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आपसे कुछ C+O2 है, आप क्या बोलिएगा, पूछेंगे कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि सिंपल से देख लीजिएगा, बोलिएगा C+O2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन नहीं, इसको हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे ये सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं है, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे तो एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, लेकिन ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन भी किसका है, रिडॉक्स का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी किसका है, रिडॉक्स का, सारा एग्जाम्पल है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये सारे कंसेप्ट लेके आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।